हे गाइज, अगर वीडियो में आ गए हैं तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मोबाइल के ऐसे 3 टिप्स बताऊंगा जो कि आपको जानना ज़रूरी है। सो गाइज, दूसरे और लास्ट टिप्स जो बताऊंगा वो बहुत खास होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो हेलो वेलकम दोस्तों, मेरा नाम विपिन और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विपिन इंटरनेट में। तो गाइज, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, आ गए हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे, तो चलिए मैं सीधे आपको लेके चलता हूँ फर्स्ट ट्रिक पे। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आप अपने सेटिंग को ओपन कीजिए और एक्चुअली दोस्तों आपका फ़ोन गर्म हो जाता होगा एंड आपका MB जो है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता होगा। तो ऐसे में दोस्तों आप जो है अपना सेटिंग को ओपन कीजिएगा और उसके बाद जो है गाइज आपको सिंपली डबल सिम एंड सेलुलर में जो है क्लिक करना है, जिस या तो आपके पास नेटवर्क का एक ऑप्शन आएगा उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक कीजिएगा दोस्तों तो आपके सामने नीचे एक सेटिंग आएगा एप यूजिंग वाईफाई एंड मोबाइल डाटा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा दोस्तों उस पर, तो जिसका आपको ज़रूरत है उसको रहने दीजिएगा, बाकी बात यहाँ पे जितना भी ऐप है उसको क्लोज कर दीजिएगा, क्योंकि इससे ये होगा दोस्तों कि आपका MB जो है वो बहुत कम कटेगी, क्योंकि ये सब जो है ऐप जितना भी आपके फ़ोन में ऐप होते हैं वो सारा जो है बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, जिसके कारण कि आपका MB जल्दी ख़त्म होते हैं और आपका डाटा ख़त्म हो जाता है और आपका फ़ोन भी इसी कारण से गर्म होता है। सो जिसका भी आपको ज़रूरत हो उसको आप रखिएगा ऑन, बाकी का जो भी ऐप का अगर आपको ज़रूरत नहीं है उसको आप क्लोज कर दीजिएगा। तो फिर चलिए सीधे लेके चलते हैं आपको दूसरे ट्रिक की ओर। तो दूसरा ट्रिक है दोस्तों कि आप कभी भी अगर क्रोम ब्राउज़र में जाते हैं और यहाँ से आप हिस्ट्री इसका जो है चेक करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ टाइप करना पड़ता है और उसके बाद आपको यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करना पड़ता है और उसके बाद जो है यहाँ पे आपको हिस्ट्री पे क्लिक करना पड़ता है, तब जा कर के आपका हिस्ट्री निकलता है। लेकिन गाइज, आज की इस वीडियो में जो सीक्रेट है वो सीक्रेट ये बता रहा हूँ कि आप जैसे भी क्रोम ब्राउज़र को ओपन कीजिएगा उसके बाद आप अपने बैक बटन को कुछ देर तक दबाए रखिएगा, तो आपके सामने जो है नीचे एक ऑप्शन आएगा शो फुल हिस्ट्री, उस पर आप क्लिक कीजिएगा जैसे, तो आपके सामने सारा हिस्ट्री जो है वो ओपन हो जाएगा। तो कमाल की ट्रिक है ना दोस्तों। तो चलिए तीसरे ट्रिक की ओर चलते हैं। तीसरे ट्रिक बताने से पहले दोस्तों मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए और वीडियो ख़त्म होने के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर इसे ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे तीसरे ट्रिक के बाद जो है एक और ट्रिक बताऊँगा जो कि चौथा ट्रिक होगा, उसमें भी कमाल का है, तो आप जो है देखते रहिएगा पूरा वीडियो। तो तीसरे ट्रिक है दोस्तों, आप अपने मोबाइल का SR चेक करना। अगर आपका SR मोबाइल का बढ़ जाता है दोस्तों तो उसमें क्या होता है, आपके बॉडी को हानि पहुंचता है, जिससे कि आपको TB का बीमारी भी हो सकता है, कैंसर का भी बीमारी हो सकता है। इसलिए दोस्तों आपको चेक करते रहना है आपका मोबाइल का SR कितना बढ़ा हुआ है। तो SR जो है दोस्तों 1.60 वाट पर KG होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है दोस्तों इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको कॉल में जाना है और उसके बाद आपको डायल करना *#07#। जैसे ओपन कीजिएगा दोस्तों तो यहाँ पे आपका जो है बता दिया जाएगा कि आपका कितना SR है। तो बॉडी SR जो है 0.459 वाट पर KG है और हेड का जो है SR 0.462 वाट पर KG है। गाइज ये तो चल सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे 1.60 वाट पर KG होता है इसका मैक्सिमम रहता है, इससे अगर ज़्यादा आपका हो जाता है तो आपको फ़ोन बदल लेना चाहिए या तो सर्विस सेंटर जाके इसको दिखाना चाहिए, नहीं तो दोस्तों आपके लिए ये मोबाइल जितना लाभदायक है उतना ही हानिकारक हो सकता है। इसलिए SR आपको चेक करते रहना है। तो चौथा ट्रिक जो है दोस्तों वो कुछ प्रैंक करने वाली है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सो चौथा ट्रिक जो है दोस्तों, आपको पहले सबसे पहले सेटिंग पे ओपन करना है, सेटिंग जैसे ओपन कीजिएगा तो उसके बाद आपको
अपने फ़ोन के अबाउट सेक्शन में चल जाइएगा। जैसे अबाउट फ़ोन वाले सेक्शन में जाइएगा तो आपको क्लिक करना है एंड जो है आपको यहाँ पे एक वर्जन का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इस वर्जन वाले पे क्लिक करना है। जैसे आप वर्जन वाले पे क्लिक कीजिएगा तो 6-7 बार इसको जो है 7 बार कम से कम क्लिक कीजिएगा वर्जन पे लगातार। तो जैसे 7 बार क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपको जो एक डेवलपर का जो है न्यू ऑप्शन मिलेगा जो कि यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पे अगर होम पेज पे अगर मिल जाता तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद आपको क्या करना है एडिशनल सेटिंग में जाना है। और एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद जो है एसिबिलिटी जो है उस पर आपको डेवलपर का ऑप्शन मिलेगा या तो उससे नीचे भी मिल सकता है। तो यहाँ पे मेरे फ़ोन में जो है गाइज डेवलपर ऑप्शन है। अब जैसे डेवलपर ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद आपसे कैप्चा कोड मांगा जाएगा। किसी फ़ोन में कैप्चा कोड मांगा जाता है, किसी में नहीं भी मांगा जाता है। तो कैप्चा कोड अगर मांगा जाता है तो कैप्चा कोड आपको डायल कर लेना है और उसके बाद जो है गाइज आपको सिंपली क्लिक कर देना। उसके बाद डेवलपर ऑप्शन को जो है यहाँ से ओके कर देना है। जैसे डेवलपर ऑप्शन को ओके कीजिएगा तो उसके बाद आपको सिंपली नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा सो सरफेस अपडेट्स। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा दोस्तों तो आपका स्क्रीन जो है कुछ इस टाइप का होने लगेगा, जो कि जब भी आप टच कीजिएगा स्क्रीन को तो कुछ इस तरह का जो है आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप अपने फ्रेंड्स को देते हैं ये फ़ोन और वो कभी भी टच करता है स्क्रीन पे तो कुछ इस तरह का होने लगेगा, जो कि उसको लगेगा कि मोबाइल ख़राब हो चुका है। उसके बाद दोस्तों अगर सो लेआउट बाउंड्स पे क्लिक करते हैं तो उसमें भी कुछ आपको इस तरह का जो है सेटिंग देखने को मिलेगा, जो कि इससे भी आपका फ्रेंड्स घबरा सकते हैं। तो इससे जो है गाइज आप जो है फ्रैंक कर सकते हैं और उसके बाद जो है आपको ऑफ़ कर देना है यहीं से आकर के, उसके बाद जो है आपका फ़ोन फिर ठीक हो जाएगा। तो आई होप कि दोस्तों ये सारा चारों ट्रिक आपको पसंद आया होगा। इनमें से आपको सबसे बेस्ट ट्रिक कौन लगा वो आप हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।